साथियों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रावशंत फिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जनरल एरिया की ओबीसी की कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है फाइनल की। बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट करते रहते हैं कि सर ओबीसी की कट ऑफ बताइए, तो आज की ये वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इश्यू रहने वाली है। साथ ही आप में से कोई अभ्यर्थी यदि हमारे चैनल नया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आप में से जो भी अभ्यर्थी SSC GT 2025 की वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट टू क्या रह सकती है, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे SSC GT 2025 की। यदि आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मैथ की बुक ढूंढ रहे हैं कि एक अच्छी बुक हमको मिल जाए जिससे हम मैथ की घर बैठे अच्छे तैयारी कर सकें, तो आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक रह सकती है चक्षु पब्लिकेशन की, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2025 की भर्ती के लिए। तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, इसका यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दी रहती है हमको विषय सूची, जो जो आपके कंटेंट होते हैं एग्ज़ाम में जो सवाल आते हैं उन सबका पूरा डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। और इस तरह से यहाँ पर हर एक चैप्टर को डिटेल में बताया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, बिल्कुल बेसिक से बताया गया है, ठीक है। और हर एक चैप्टर की डिटेल इस तरह से ही दी गई है, और संपूर्ण जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न भी यहाँ पर दे रखे हैं, तो ये पूरा पैकेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इनका एक कॉम्बो पैकेज मिलता है जहाँ पर आपको रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और सामान्य ज्ञान की परीक्षा के लिए भी ये सारी बुकें भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट अमेजन दोनों पे अवेलेबल है, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराऊंगा, वहाँ पे जाके जनरल एरिया की ओबीसी कट ऑफ देखिए 86 गई है। जिन अभ्यर्थियों के मार्क्स 5 मार्क्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं यहाँ से, वो फाइनल के लिए सिलेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ की कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस देखने को असम का जनरल वालों का देख लेते हैं। यहाँ पर ओबीसी का तो ओबीसी का गया हुआ है 66, तो जिन अभ्यर्थियों के 71+ मार्क्स बन रहा है वो अपने आप को फाइनल के लिए सिलेक्ट मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल एरिया की ओबीसी कट ऑफ बिहार की, 125 गया हुआ है। जिन विद्यार्थियों के 130+ मार्क्स बन रहे हैं वो अपने आप को फाइनल के लिए सिलेक्ट मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं चंडीगढ़ की ओबीसी की, 68 गई है। जिन बच्चों के 75+ मार्क्स बन रहे हैं वो अपने आप को फाइनल में सिलेक्ट मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की ओबीसी की, बात करें जनरल एरिया की तो 177 गई है। जिन बच्चों के नंबर 120 से लेकर 125 के बीच में बन रहा है वो अपने आप को फाइनल के लिए सिलेक्ट मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं दिल्ली की 118 गई है। जिन बच्चों के 125+ मार्क्स बन रहे हैं वो अपने आप को फाइनल के लिए सिलेक्ट मान सकते हैं दिल्ली से। अब हम बात करते हैं गुजरात की, गुजरात का ओबीसी का 88 कट ऑफ गया हुआ है। यहाँ से अगर आपके 5 मार्क्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं, यानी कि आप मान के चलिए 90 से लेकर 95 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो अपने आपको सिलेक्ट मान सकते हैं। अब यदि हम बात करें हरियाणा की ओबीसी की, जनरल कट ऑफ 134 गई है। यहाँ से 140+ मार्क्स बन रहा है तो अपने आपको फाइनल के लिए सिलेक्ट मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की ओबीसी की, जनरल की 120 कट ऑफ गई है। इसके 125+ मार्क्स बन रहा है वो अपने आपको फाइनल के लिए सिलेक्ट मान सकता है। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की ओबीसी कट ऑफ 47 गई है। जिनके भी 55 नंबर बन रहा है वो अपने आपको फाइनल के लिए सिलेक्ट मान सकता है। अब हम बात करते हैं झारखंड की, तो ओबीसी से 109 कट ऑफ गई है। जिन बच्चों के 115+ मार्क्स बन रहा है वो अपने आपको फाइनल के लिए सिलेक्ट मान सकता है। अब हम बात करते हैं केरला की जनरल एरिया से 65 गई हुई है। जिन बच्चों के 70 नंबर बन रहा है वो अपने आपको फाइनल के लिए सिलेक्ट मान सकता है। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की ओबीसी की कट ऑफ की, बात करें 135 गई है। जिनके 140+ मार्क्स बन रहा है वो अपने आपको फाइनल के लिए सिलेक्ट मान सकता है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, जनरल से ओबीसी की कट ऑफ 104 गई है। अगर यहाँ से आपके 110 नंबर बन रहा है तो अपने आपको फाइनल के लिए सिलेक्ट मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं मणिपुर की, जनरल वालों की ओबीसी की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, देख सकते हैं 66 गई है। जिन बच्चों के 70 नंबर बन रहे हैं वो अपने आपको फाइनल के लिए सिलेक्ट मान सकते हैं। बात करते हैं मेघालय की, मेघालय से ओबीसी का जनरल एरिया का 40 कट ऑफ गया हुआ है। जिन बच्चों के भी 45+ मार्क्स बन रहे हैं वो अपने आपको फाइनल के लिए सिलेक्ट मान सकते हैं। बात करते हैं मिजोरम की, मिजोरम से जनरल वालों का ओबीसी का जो कट ऑफ है 75 गया हुआ है। जिनके भी 80+ मार्क्स बन रहे हैं वो अपने आपको फाइनल के लिए सिलेक्ट मान सकते हैं। हम बात करते हैं नागालैंड की, तो नागालैंड का ओबीसी कट ऑफ गया 102। जिनके भी 105+ मार्क्स बन रहे हैं वो अपने आपको फाइनल के लिए सिलेक्ट मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओबीसी की, जनरल की कट ऑफ 100 गई है। जिनके भी 105+ मार्क्स बन रहे हैं वो अपने आपको फाइनल के लिए सिलेक्ट मान सकते हैं। अब हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब से जनरल वालों जनरल एरिया से ओबीसी की जो कट ऑफ गई है 79 गई है। जिनके भी 85+ मार्क्स बन रहे हैं वो अपने आपको फाइनल के लिए सिलेक्ट मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान का जनरल एरिया से ओबीसी कट ऑफ 138 गया हुआ है। इनके 145+ मार्क्स बन रहा है वो अपने आपको फाइनल के लिए सिलेक्ट मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिक्किम की, सिक्किम से जनरल एरिया का ओबीसी का जो कट ऑफ गया है 42 गया है। इनके भी 45+ मार्क्स बन रहा है वो अपने आपको फाइनल के लिए सिलेक्ट मान सकते हैं। हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु से अगर आप बिलोंग करते हैं और आप जनरल एरिया से ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 73 गई है। जिनके भी
75 प्लस मार्क्स बन रहा है वो अपने आप को फाइनल के लिए सिलेक्ट मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल एरिया का, ओबीसी का, तेलंगाना से 77 गया है जिनके भी 80 प्लस मार्क्स बन रहा है वो अपने आप को फाइनल के लिए सिलेक्ट मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा का ओबीसी का जनरल एरिया का कट ऑफ 99 गया हुआ है जिनके भी 105 प्लस मार्क्स बन रहा है वो अपने आप को सेम मान सकते हैं फाइनल। अब हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश से जनरल एरिया का कट ऑफ 139 गया हुआ है 139, तो यहाँ से अगर आपके 140 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तभी आप अपने आप को फाइनल के लिए सिलेक्ट मान सकते हैं। यदि हम बात करते हैं उत्तराखंड की, ओबीसी का जनरल का कट ऑफ 116 गया जिनके 120 प्लस मार्क्स बन रहा है वो अपने आप को फाइनल के लिए सिलेक्ट मान सकते हैं। वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल से ओबीसी का जनरल एरिया का जो कट ऑफ गया 89 गया जिनके भी 95 से लेकर 100 के बीच में मार्क्स बन रहा है वो अपने आप को फाइनल के लिए सिलेक्ट मान सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने ओबीसी का जनरल एरिया का कट ऑफ के बारे में बात किया है। कोई भी डाउट अगर किसी बच्चे को रहता है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।